हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम शुभम है और आप है स्पॉटिफाई चैनल पे। इस चैनल पे बहुत दिनों से मैं कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर लॉकडाउन एंड द मानसून के वजह से कोई भी आउटडोर कोई भी फोटो नहीं कर पाया। आप समझ सकते हो कि वेदर का कंडीशन बहुत बिगड़ रहा है एंड कुछ दिनों से यह हालत थोड़ा बहुत और भी बिगड़ चुका है एंड कॉन्टीन्यूस बेसिस बारिश हो रहा है, तो इसलिए मैं बाहर कोई भी प्लेस पे फोटोग्राफी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस टाइम की तरह कुछ नया कैनन का मॉडल निकला है, जो कैनन का R5 USR5 एंड R6, जो बहुत ही बेहतरीन है एंड रिव्यू के अगर आप मान के चलो कि बहुत अच्छा रिव्यू भी आ रहा है। इस दौरान बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने इन हैंड रिव्यू भी कर चुका है एंड मेजर ऑफ द फोटोग्राफर्स एंड रिव्यूअर्स ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो भी पोस्ट कर चुका है। इसके एक स्पेशल है जैरिक पोलिन। जैरिक पोलिन बहुत बेहतरीन वीडियो बनाता है इस फील्ड ऑन टेस्टिंग के लिए। तो उन्होंने R5 एंड कैनन का R5 जो न्यू रिलीज हुआ है उसके ऊपर जो कंपैरिजन किया है वो सोनी के A7R4 के ऊपर एंड ऑब्वियसली निकन Z6 के ऊपर भी उन्होंने एक्चुअली एक कंपैरिजन वीडियो बना चुके कि कौन सा कैमरा है जो ऑटो आई फोकस बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहता है। इससे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस टाइप की वीडियो के लिए कि कैसे जैरिक पोलिन ऑन फील्ड टेस्ट करे, जिसमें बहुत इजीली आपको पता चल जाए कि कौन सा कैमरा मॉडल और कौन सा कैमरा बॉडी आपको एक बेहतरीन आई ट्रैकिंग और आई ऑटो फोकस सिस्टम देता है। इसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सोनी के आई ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है एंड सोनी जब इस आई फोकस सिस्टम और आई ट्रैकिंग सिस्टम जब मार्केट में लॉन्च किया था तो तब मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी ए नहीं दे पाया था नहीं दिया था एक्चुअली। मिररलेस सिस्टम में सोनी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, मगर कैनन का R5 आने के बाद उसका जो R5 एंड R6 जो मॉडल है उसका जो आई ट्रैकिंग सिस्टम बहुत एडवांस हो गया है एंड सोनी से ज़्यादा ज़्यादा टक्कर देता है। जैरिक पोलिन का ही एक वीडियो था जहाँ में ये तीनों जो कैमरा है इसमें कंपेरिजन दिया हुआ है एंड उससे से ही जैरिक का जो लिंक था जिसमें वो इस फोटो का रिव्यू करता था कि कौन सा फोटो ट्रैकिंग से आउट ऑफ फोकस हो गया है, कौन सा फोटो एक्चुअली फोकस में है। इसका ही जो मेन फाइल था उस फाइल को ही मैंने एक्चुअली डाउनलोड किया एंड उसके हिसाब से मैं थोड़ा एग्जामिन कर रहा था कि कौन सा फोटो एंड कौन सा कैमरा बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। इसलिए मैंने वो तीनों फाइल कैनन का, सोनी का एंड निकोन का तीनों को फाइल एक्चुअली डाउनलोड किया। सब में ही JPG फाइल है। अनफॉर्चुनेटली जैरिक जितने सारे कैमरे का जो भी फोटो सैंपल अपलोड करता है वो बहुत कॉम्प्रेस्ड होता है। एक JPG फाइल 1.75 से 2 MB के आसपास होता है। दैट्स मीन्स आपको वो क्लियरेंस और क्लैरिटी नहीं मिलेगा, मगर ये बोल सकते हो आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कौन सा कैमरा में कितने ज़्यादा फोकसिंग पॉइंट से कितना एडवांटेज आता है। तो उस बारे में थोड़ा बहुत आज क्रॉस चेक करेंगे। मैं नहीं बोलूँगा कि हर पिक्चर शार्प है, मगर ये थोड़ा कंबाइन करने के लिए आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कैमरा एक्यूरेसी देता है। चलिए देखते हैं कि उसमें कौन सा कैमरा कौन किस लेवल पर एक्यूरेसी वो देखते हैं। चलिए डेस्कटॉप में चलते हैं।
पहले जो एक्चुअली आप देख सकते हो कि तीनों है निकोन कैनन एंड सोनी का, तो फर्स्ट मैं एक्चुअली निकोन से स्टार्ट करता हूँ। निकोन का जो कैमरा आप देख सकते हो कि इसका जो कैमरा सैंपल है वो जेरिक ने अपलोड कर चुका है। फोकस में है, फोकस में है, फोकस में है, फोकस में। ये देखिए पहले वाला डी एक फोकस मिस हो गया, उसके बाद फोकस फोकस, ए शायद मेरे ख्याल से फोकस नहीं कर पाया एक्यूरेटली, उसके बाद फोकस 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 फोकस, ए मेरे ख्याल से थोड़ा अब अगर गौर से देखोगे कि इसमें फोकस नहीं है, उसके बाद फोकस फोकस, उसमें उसके बाद फिर से एक बार आउट ऑफ फोकस हो गया, उसके बाद आउट ऑफ फोकस आउट ऑफ फोकस आउट ऑफ फोकस आउट ऑफ फोकस आउट ऑफ फोकस, बूम। इस टाइम में जेरिड ने बहुत सारे एक एक कैमरा में नियर अबाउट 90s फोटो क्लिक किए हैं, जिसमें निकोन का जितने सारे क्लिक है उसमें जहाँ तक ज़्यादा मैं ये बोल सकता हूँ कि अच्छा जॉब किया, ऑब्वियसली अच्छा जॉब किया, मगर निकोन का जो है उसमें 5 to 6 आपको फोकस से बाहर मिलेगा, मतलब आउट ऑफ फोकस मिलेगा। नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं, इसके बाद मैं ऑब्वियसली सोनी में जाऊंगा क्योंकि लास्ट में मैं टैली करूंगा कि कैनन में क्या हो रहा है। इसमें हम देख सकते हो फोकस है फोकस है फोकस 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 में है फोकस में है फोकस में है, एक डी फोकस हो गया है। मैं अगर इसको जूम करूँगा तो आप देख सकते हो कि फोकस नहीं है। आप मैं पहले भी बोल चुका हूँ फाइल थोड़ा छोटा है तो इसमें आपको वो शार्पनेस नहीं आएगा। इसके बाद फिर से आउट ऑफ फोकस है आउट ऑफ फोकस है आउट ऑफ फोकस है, एक क्लोजअप शॉट लेने के टाइम एक्चुअली आउट ऑफ फोकस हो गया क्योंकि ये जेरिड ने एक लॉन्ग प्राइम लेंस में शूट कर रहा था। उसके बाद फिर से गुड ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब। इसके पहले ये वाला आउट ऑफ फोकस हो गया आप देख सकते हो, उसके बाद देखिए फिर से आप आई ट्रैकिंग आ गया, देख सकते हो कि फोकस में आ गया एंड इट्स डूइंग एब्सोल्युटली फाइन जॉब। बट अगर आप देखोगे तो सोनी में भी आई फोकस में थोड़ा बहुत आउट ऑफ फोकस हो रहा था, ये सोनी का जॉब था एंड आप इसमें भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगी कि आई फोकस में आउट ऑफ फोकस हो गया। ये एक्चुअली कैनन R5 है, फोकस 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 वेरी गुड। आप जेरिका एक चीज़ आप थोड़ा दिमाग में रखिए कि आई इस प्लेस पे है एंड नेक्स्ट फ्रेम में आई ट्रैकिंग यहाँ पे, इट्स ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इसमें आई ट्रैकिंग बहुत फास्ट हो रहा है कैनन में एंड दैट्स फैबुलस जॉब जो कैनन ES R5 में किया है। ये थोड़ा आउट ऑफ फोकस है क्योंकि क्लोज पोर्ट्रेट स्टॉल हो गया था इसलिए आउट ऑफ फोकस है, उसके बाद फिर से नीचे गया एंड ए 2 और 3 ए मेरे ख्याल से आउट ऑफ फोकस है, ए आउट ऑफ फोकस है, अगर फिर से इसका ट्रैकिंग आ गया था एंड यू कैन सी कि कंटिन्यूस बेसिस ट्रैकिंग हो रहा था एंड इट्स वेरी गुड जॉब। मैं एक ही वर्ड बोल सकता हूँ कि कैन डूइंग ए मार्वेलस जॉब। अगर आप देखोगे कि सोनी का जो सिस्टम है उस सिस्टम में फोटो फोकस सिस्टम मेरे ख्याल से कैनन को थोड़ा एडवांस हो गया है सोनी के R सीरीज़ आप फोर जो बोल सकते हो उसके ऊपर अगर कंपेयर करोगे कि बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है एंड कैनन का मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर आप
आई फोकस और फोकस ट्रैकिंग जो भी है इसको अगर कंपेयर करोगे तो सोनी के इस टाइम कैनन का एक ही नेगेटिव फॉल है US R5 R6 में जो 8K में बॉडी हीट हो रहा है, हीट का इश्यूज है जो कंटिन्यूस बेसिस इसके ऊपर ही चर्चा हो रहा है। मगर मेरे ख्याल से 8K अगर 30 मिनट्स आप रिकॉर्डिंग करोगे मेरे ख्याल से उतने टाइम कोई भी सिनेमाटोग्राफर और कोई भी फुटेज इतना लॉन्ग टाइम में नहीं लेता, शॉर्ट टाइम में लेता है। हम लोग शादी में जो वीडियो फुटेज हम लोग सिनेमेटिक फुटेज जो लेते हैं वो 10 to 15 सेकेंड्स मैक्स टू मैक्स होते हैं एंड 1 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम। मैं फुटेज अब ले रहा हूँ ये शायद आपको 10 से 12 मिनट का हो सकता है मगर इससे ज़्यादा फुटेज नहीं है। तो EOS R5 8K में रिकॉर्डिंग इसका एक इशू हो सकता है मगर मेरे ख्याल से उसको छोड़ के जितने सारे फैसिलिटीज़ है जिसमें टेक्निकल जो भी ऑन फील्ड टेस्टिंग हुआ है उसमें कैन EOS R5 R6 एक मार्वेलस आउटपुट दिखा हुआ है। हाँ, मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन में अगर आप आपके बजट है एंड आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हो एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में, अभी R5 और R6 कोई भी कैमरा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से और 1-2 महीना वेट कर लीजिए क्योंकि हो सकता है सोनी में कुछ नया अनाउंसमेंट हो कि रिसेंट मैंने मेरे पास थोड़ा बहुत रूमर्स आ गया था जिसमें मैं सोनी का A7R4 तो है, A7R का सीरीज और कोई नहीं निकलेगा मगर A7 4 निकल सकता है और कुछ नया बॉडी भी निकल सकता है, कोई नया सीरीज भी निकल सकता है फुल टर्म मिररलेस में, शायद A5 सीरीज Alpha 5 सीरीज निकल सकता है एक रूमर्स है। बट EOS R5 अगर आप कैनन के आपके पास कैनन का लेंस है एंड कैनन का फैमिलियर हो आप कैनन यूज कर सकते हो, बहुत बड़ा बजट में आप एफोर्ड कर सकते हो, देन आई कैन टेल यू कि हाँ आप कम्प्लीटली एक बार कैनन में जा सकते हो EOS R5 R6 में। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स के लिए कैनन की ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा फॉर अपकमिंग डेज क्योंकि 8K वीडियो अगर आप शूट कर रहे हो उसको आप डाउनग्रेड में जो फुटेज तो वो बहुत अच्छा आउटपुट देगा। इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद ही मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोगों का जो प्राइमरी जो सब जितने सारे लेंस और जितने सारे बॉडी होते हैं उतने कितने आए से तक आप ऊपर उठ सकते हो, फील्ड टेस्ट है, इसके बारे में मैं भी वीडियो बनाऊंगा। ये था एक छोटा रिव्यू, थैंक्स टू जेरी पोलिंग जो जिसने इस जो JPG इसको फुल टेस्ट में अपलोड किया है एंड इसका ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेरी जो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, नया हो तो चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कोई भी रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस टाइप का रिलेटेड कुछ वीडियो आपको बना सकता हूँ। हाँ ज़रूर, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए पैशनेट हुई हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए वाइल्ड एंड वाइल्ड दो सेक्शन में फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। वेदर ठीक होने से मैं ज़रूर आप लोगों को इस टाइप का वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स, बाय।